हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि गुजराती डिश फाफड़ा कैसे बनाई जाती है और आप घर पे कैसे बना सकते हो। बहुत इजी तरीका बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान तरीका है फाफड़ा बनाने का। सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोनी के चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा दें ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोज है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाफड़ा बनाने के लिए हमें एक बाउल चाहिए, उसमें हमें बेसन डालना है। तो बेसन आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है, मतलब ये 150 ग्राम के करीब है। इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, अजवाइन हाथ पे रगड़ के क्रश करके डालेंगे इस तरह से। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें हम डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच से आधा आप डालें, एक चौथाई चम्मच। और नमक इसमें डाल लें स्वादानुसार। एक चम्मच हम तेल डालेंगे, कोई भी आप रिफाइंड ऑयल वगैरह डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो। और उसके बाद हम इसको पानी डाल के बिल्कुल हम इसका डो रेडी कर लेंगे। जैसे आप आटे का डो रेडी करते हो ना, उसी तरीके से आपने इसका डो रेडी कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है बीच बीच में, और उसी तरीके से आपने आटे की तरह बिल्कुल डो रेडी कर लेना है। बस आटे के जितना ही इसको सॉफ्ट रखना है उतना ही थिक आपने रखना है बस। तो देखिए, हमने डो बिल्कुल रेडी कर लिया है इस तरह से रेडी करके। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत के तुरंत बनाना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे कोई भी लकड़ी का बोर्ड वगैरह ले सकते हो आप, जिस पे आप बनाना चाहते हो। और आप चाहो तो रोटी बेलने वाला जो चकला होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो। और या देखिए, मैंने इसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा छोटा सा तोड़ा है, और उसको मैं सबसे पहले गोल करके इसको हम लंबा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से करना है, क्योंकि ये जो फावड़ा होता है ना, इसको बेल के नहीं बनाया जाता कभी भी। बहुत लोग यूट्यूब पर मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने बेल के बताया, लेकिन इसको बेल के नहीं बनाया जाता है। इसको हाथ से प्रेस करके इसको खींचा जाता है इस तरीके से। देखिए, अपने हथेली से इसको रगड़ के खींच के इसको बड़ा किया जाता है। ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसे आपको बनाना है फाफड़ा। देखिए, इस तरीके से बनाया जाता है। तो आप थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना ज़्यादा दबाओगे वैसे ही आप पतला बना सकते हो, मोटा बना सकते हो। और जो हाथ में थोड़ा बहुत बच जाए उसको चाकू से निकाल के वापस उससे बेसन में डाल दे। और ये देखिए, चाकू कोई भी बढ़िया सा पतली धार वाला ले ले, और उससे इस तरीके से जो हमारा फाफड़ा है वो निकल के रेडी हो जाएगा। आप थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हो, जो भी तरीका आप सभी को पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो। और आप बेल के तो बहुत लोग बनाते भी हैं, बेल के भी बना सकते हो वैसे, लेकिन बेल के से बेलने से ज़्यादा ये वाला अच्छा होता है। इस तरीके से आप काफ़ी बढ़िया बना सकते हो। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। अब हम क्या करेंगे, इसको साथ के साथ फ्राई भी करना होता है। तो साथ के साथ हम बनाते रहेंगे और साथ में फ्राई भी करते रहेंगे। तो मैंने गैस पे पैन रखा है, उसमें ऑयल डाला है, इसको गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा गर्म हम करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने बेसन डाल के इसमें देखा, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। ये भी थोड़ा ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो हल्का सा गैस को जो है लो फ्लेम पर कर दें। और उसके बाद एक एक फाफड़ा आप इसमें डालना स्टार्ट करें, साथ के साथ डालना है। इसको ज़रा भी रेस्ट नहीं करवाना है। अगर आपने रेस्ट करवा दिया इसको तो ये ज़्यादा ही ब्राउन होने लग जाएगा। हमें इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, साथ के साथ ही डालना है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, आप इससे थोड़ा सा कम रखें टेम्परेचर को। बस अभी थोड़ी देर में कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने तीन एक ही बार में डाल दिए हैं, तो टेम्परेचर अपने आप मीडियम पे आ जाएगा ये। अब देखिए, अब दोनों तरफ से इसको सेक के, दोनों तरफ से पलट पलट के इसको पका लीजिए जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। और इसको हमें ब्राउन नहीं करना। देखिए, ये हल्का सा ब्राउन लग रहा है ना, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, तो इस तरीके से थोड़ा सा ब्राउन लग रहा है। इससे हमें थोड़ा कम ब्राउन रखना है। इसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ कितना रखना है। अब टेम्परेचर जो है बिल्कुल सही है। अब इस टाइम पर हमें जितना भी आप डालना चाहो, एक बार में जितने भी बनते हैं, या पैन बड़ा चाहिए तो आप बड़े पैन में बना सकते हो, अगर आप बड़े बड़े फाफड़े बनाना चाहते हो तो। देखिए, इस इतना जो टेम्परेचर है उतना रखना है हमें। तो ये टेम्परेचर बिल्कुल सही है, इस टेम्परेचर पे अगर आप बनाओगे तो काफ़ी बढ़िया बनेंगे, और इनका जो कलर है वो भी चेंज नहीं होगा, क्रिस्पी भी काफ़ी बढ़िया रहेंगे। और इसको हमें 1 से 2 मिनट तक पकाना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए कि जो कलर है इनका मेंटेन है और काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। हमने दोनों तरफ से इसको क्रिस्पी कर लिया है, इसको हम निकाल लेंगे। और ये जब थोड़ी देर पड़े रहते हैं ना, तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से हमने सारे बना के रेडी कर लिए हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं, ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको सर्व करके। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च को मैंने फ्राई किया है इसी में, और इसी के साथ सर्व किया है। और ये बिल्कुल रेडी है, और काफ़ी बढ़िया टेस्ट होता है इनके खाने में। और ये देखिए, जो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गए थे हमसे, ये देखिए, ये ज़्यादा ब्राउन जो हो गए वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्रिस्पी है उससे, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन अच्छे से हो गए ना, तो इसको अच्छे से जब पक जाते हैं तो ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। तो ये मुझे ज़्यादा टेस्ट लग रहा है खाने में, ज़्यादा क्रिस्पी है।
कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही अगर और हलवाई वाली रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोज है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।